हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। आज हम समझने वाले हैं भैया सिक्योरिटी के कितने टाइप के मैकेनिज्म्स हैं। यहाँ पे 6 मैकेनिज्म्स हैं, उनको मैं थोड़ी थोड़ी करके बेसिक बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ऐसे कई सारे इसमें पॉइंट्स हैं जो कि आगे चल के हम लोगों को इन डेप्थ डिटेल में उनको समझना है। तो यहाँ पे आपको मैं एक बेसिक आइडिया दे दूंगा कि भैया इनमें होता क्या है और किस तरीके से ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो एनसाइफरमेंट। अभी एनसाइफरमेंट मतलब क्या, कि आपके डेटा को आप हाइड कर रहे हो, एक्चुअल डेटा आप दिखा नहीं रहे हो, बराबर ये कहने का मतलब है। मतलब आपने अपना ओरिजिनल डेटा बिफोर गेटिंग सेंडेड आपने उसको हाइड कर दिया, बराबर। और कुछ इस तरीके से हाइड कर दिया आपने कि भैया अगर वो डेटा जो मैंने सेंड किया अगर वो इंट्रूडर के हाथ में लग गया, इंट्रूडर मतलब थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी के अगर हाथ में लग भी गया तो भी वो अगर उसको देखेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आपने अपना जो रियल डेटा है वो दिखाया ही नहीं है, वो आपने हाइड करके रखा है। तो हाइड करने के लिए कई सारे ऐसे एल्गोरिदम्स हैं एनसाइफरमेंट में कि आप उसको अप्लाई करके अपने डेटा को कुछ इस तरीके से हाइड कर सकते हो कि वो इंट्रूडर उसको समझ ही ना पाए, अंडरस्टैंड ही ना कर पाए। कितना भी मेंटोस खा ले, कितनी भी दिमाग की बत्ती जला ले, कुछ नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला उसमें कि भैया ये है क्या, ये कहना क्या चाहता है मैसेज, कुछ भी अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। तो हमने क्या किया, अपने मैसेज को नॉन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया इन द एनसाइफरमेंट। क्यों? ताकि वो इंट्रूडर के बिल्कुल भी समझ में ना आए। इस वजह से कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या, कि सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज रिसीवर यानी कि ऑथराइज्ड पर्सन ने ही रीड और एक्सेस करना चाहिए, यहाँ पे वो मेंटेन्ड है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ रिसीवर ही उसको समझ पाएगा, इंट्रूडर नहीं समझ में उसको समझ में ही नहीं आएगा इंट्रूडर को कि भैया ये मैसेज इसके अंदर का एक्चुअल डेटा है क्या, ये डेटा कहना क्या चाहता है, ठीक है। सो दैट इज द एनसाइफरमेंट टेक्निक या मैकेनिज्म। उसके बाद अगर डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर, डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर आगे चल के हम लोग इन डेप्थ समझने वाले हैं कि भैया पब्लिक की क्या होती है, प्राइवेट की क्या होती है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, ये ऑथेंटिकेशन गारंटी करता है, मतलब और एक चीज जो गारंटी करता है वो है इंटीग्रिटी गारंटी करता है, कि भैया जो आपका डेटा है वो मॉडिफाई नहीं हुआ है, मतलब ए इज देयर एंड बी इज देयर, बराबर। ए वांट टू सेंड टू द डेटा बी, ओके, तो ए मेरा सेंडर है, बी मेरा रिसीवर है। तो ए डेटा जब सेंड करता है तो उसमें अपनी प्राइवेट की लगाता है। ए क्या करता है, जब डेटा सेंड करता है तो उसमें अपनी प्राइवेट की चिपका देता है, प्राइवेट की लगाता है और उसके साथ डेटा को वहां भेजता है। और प्राइवेट मतलब सिर्फ ए को ही पता है, ओके, प्राइवेट का मतलब सिर्फ ए को पता है उसके की के बारे में, की क्या है, की इज नथिंग बट अ नंबर, यूनिक नंबर, बराबर। तो वो उसके डेटा के ऊपर लगाता है, उसको सेंड करता है बी के पास। और बी रिसीवर क्या करता है, रिसीवर ए की पब्लिक की लगाता है, रिसीवर क्या करता है, ए की उसके ऊपर पब्लिक की लगाता है टू डिक्रिप्ट इट। तो यहां से उसने अपनी की लगा के ए ने प्राइवेट की, ए ने प्राइवेट की लगा के डेटा के ऊपर उसने इंक्रिप्ट किया, और वहां पे रिसीवर के पास पहुंचने के बाद उसने, मतलब रिसीवर ने ए की पब्लिक की, अब ऑब्वियसली ए की पब्लिक की सबको पता होगी कि भैया ए की पब्लिक की क्या है, तो वो उसके ऊपर पब्लिक की लगाएगा और उसको डिक्रिप्ट करेगा। कहने का मतलब ये कि वो पहचान सकता है कि हाँ भैया ये ए ने भेजा है। और ये भी गारंटी करता है कि आपका डेटा विद इन द ट्रांसमिशन, जब वो ट्रांसमिट हो रहा था, मॉडिफाई नहीं हुआ है, मतलब डिक्रिप्ट नहीं हुआ, और डिक्रिप्ट नहीं हुआ मतलब मॉडिफाई नहीं हुआ, बराबर। So, ये कहने का मतलब है कि ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी डिजिटल सिग्नेचर में मेंटेन रहती है, बराबर। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल, ये तो बहुत ही इजी वाला फंडा है, आपको समझ में आ जाएगा। एक्सेस कंट्रोल मतलब क्या, कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में दो लेवल है, एक एम्प्लॉय लेवल है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है, बराबर। तो जो रिसोर्सेज, जो सर्विसेज, ओके, एक एम्प्लॉय को एक्सेसिबल है, और जो रिसोर्सेज और जो सर्विसेज एक एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेसिबल है, उनमें फर्क होगा या नहीं, बराबर, बिकॉज उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्क है। एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है, एडमिनिस्ट्रेटर की थोड़ी ज्यादा होती है। तो जिसकी थोड़ी ज्यादा है उसको थोड़ी ज्यादा सर्विसेज, थोड़े ज्यादा रिसोर्सेज, इसको थोड़ी कम है तो इसको थोड़ा सा, यू नो। तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्क हो रहा है, मतलब इसको एक्सेस जो है, मतलब इसके जो एक्सेस कंट्रोल्स हैं वो थोड़े ज्यादा है, बराबर। ये ज्यादा चीजों पे अपना एक्सेस कर सकता है, ज्यादा रिसोर्सेस पे, ज्यादा सर्विसेज पे, ज्यादा डेटा पे, यू नो, ये एक्सेस कर सकता है, और ये थोड़ा कम पे एक्सेस कर सकता है। तो इस वजह से होता क्या है कि जो सिक्योरिटी मेजर्स है वो बढ़ जाते हैं, बराबर। अब ये इंप्लॉई है, इंप्लॉई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं होता, वो इंप्लॉय कभी भी क्या कर सकता है, इस इंडस्ट्री का डेटा उस इंडस्ट्री को दे सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंप्लॉय को सिर्फ वही डेटा देते हैं जो कि हमारा रिस्ट्रिक्टेड जोन में नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड जोन मतलब क्या, जो कि हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो कभी भी हम लोग इंप्लॉय तक पहुंचने नहीं देते, कभी भी उसका एक्सेस जो है वो इंप्लॉय को नहीं देते। हाईली
जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है उसका एक्सेस कभी भी इम्प्लॉय को नहीं देते, वो हमेशा उसका एक्सेस हायर अथॉरिटीज को दिया जाता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ऐसा होता है, जब ऐसा एक्सेस कंट्रोल लगता है डेटा के ऊपर, तो ऑब्वियसली आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। अगर समझ लो एक्सेस कंट्रोल हो ही ना, तो कोई भी ऐरा गैरा ऑर्गेनाइजेशन का प्यून उठ के चला जाएगा, कॉन्फिडेंशियल फाइल को खोल देगा, पढ़ लेगा, दूसरे इंडस्ट्री में जाके इनकी पोल खोल देगा, तो फिर कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या हो जाएगा, बैंड बज जाएगी। इसीलिए एक्सेस कंट्रोल से आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है, इंटीग्रिटी बनी रहती है, ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज, ये किस लिए होता है कि आप किसी यूजर को ऑथेंटिकेट कर पाओ कि हाँ भैया ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है। इसके लिए हम लोग ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज यूज करते हैं। कैसे? वी जस्ट एक्चुअली एक्सचेंज द मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस को हम लोग एक्सचेंज करते हैं ताकि हम लोग उस यूजर को एज अ ऑथेंटिकेट कर सकें, उस यूजर को ऑथेंटिक यूजर डिक्लेयर कर सकें कि हाँ ये भरोसेमंद आदमी है, ये वैलिड आदमी है, ये वैलिड यूजर है। इसको हम लोगों ने अगर एक बार ऑथेंटिकेट कर दिया बाय यूजिंग ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज, एक्सचेंज क्यों, मैसेज का एक्सचेंज करते हैं हम लोग, कंटिन्यूस मैसेज एक्सचेंज करते हैं ताकि उस यूजर को ऑथेंटिकेट कर सके। एक बार वो ऑथेंटिकेट हो गया तो हम लोग नॉर्मल कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन शुरू कर सकते हैं। ट्रैफिक पैडिंग, ट्रैफिक पैडिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि हम लोगों ने बनाई है फॉर गेटिंग प्रिवेंटेड फ्रॉम ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस क्या था? ट्रैफिक एनालिसिस वाज नथिंग बट द पैसिव अटैक। यस, इट वाज अ पैसिव अटैक। उसमें क्या होता है कि आपका जो एक इंट्रूडर है या फिर जो थर्ड पार्टी है वो क्या ऑब्जर्व करता है, आपके ट्रैफिक पैटर्न को ऑब्जर्व करता है कि भाई ये ट्रैफिक आ कहां से रहा है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका रिसीविंग पॉइंट क्या है, पैकेट की साइज क्या है, पैकेट का पैटर्न क्या है, ट्रैफिक का पैटर्न क्या है, ये सब कुछ वो ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है। तो ये ना हो पाए इसीलिए हम लोग ट्रैफिक पैडिंग करते हैं। ट्रैफिक पैडिंग करना मतलब क्या, बिना मतलब के पैकेट्स को बीच में डंप कर देना। मतलब समझ लो अभी आपके एक दो, मतलब इस तरीके से सी इन दिस वे, एक है, दो है, तीन है, चार है, ये आपका पैकेट इस तरीके से जा रहा है, तो बीच में ही एक आध ऐसा पैकेट डंप कर देना जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बीच में एक पैकेट डंप कर देना जिसका कोई मतलब नहीं है, फिर ये नॉर्मल चल देना, यहाँ पे पैकेट डंप कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका इंट्रूडर यहाँ पे बैठा है इस नेटवर्क में, ये नेटवर्क के थ्रू जा रहा है, यहां से वहां जा रहा है, ओके, तो यहाँ पे ये वाले जो आपके एक्चुअल पैकेट्स हैं, इनमें एक्चुअल में एक पैटर्न होगा, कुछ ना कुछ पैटर्न होगा, लेकिन उस पैटर्न को ब्रेक करने का काम ये आपके डमी पैकेट्स काम कर रहे हैं, उस पैटर्न को ब्रेक करने का काम ये डमी पैकेट्स कर रहे हैं। तो ये डमी पैकेट जब हम लोग उसको इंड्यूस करेंगे अपने एक्चुअल पैकेट्स के साथ, तो ये भाई साहब जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, इंट्रूडर कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि भैया ये पैटर्न कहना क्या चाहता है। उसको अगर मेरा नेटवर्क बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड रहा तो उसको तो ये भी समझ में नहीं आएगा कि भैया ये पैकेट कहां से आ रहा है, इसके ओरिजिन कहां है, ये कहां पे जा रहा है, उसको वो रूट भी पता नहीं लग पाएगा, इतना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ट्रैफिक पैडिंग इज वन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर दैट केस। उसके बाद आते हैं राउटिंग कंट्रोल। राउटिंग कंट्रोल मतलब क्या, कि ये आपका नेटवर्क है, यहाँ पे हो आप, ये सेंडर एंड ए और ये रिसीवर एंड बी, और यहाँ पे आपका इंट्रूडर बैठा हुआ है सी। तो आप क्या करते हो, यहां से वहां जाने में बहुत सारे पाथ है, बहुत सारे पाथ है, मेनी मेनी पाथ्स आर देयर, ठीक है। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले ये वाला पाथ लेते हो, बराबर, उसके बाद इस वाले पाथ पे चले जाते हो इस तरीके से, फिर उसके बाद ये वाला पाथ है तो आप यहाँ पे चले जाओगे इस तरीके से। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, डायग्राम में मैंने पूरी तरीके से खिचड़ी कर दी, लेकिन कहने का मतलब ये है, कंटिन्यूअसली पाथ आप चेंज कर रहे हो, कंटिन्यूअसली अपने रास्ते को चेंज करते जा रहे हो, कंटिन्यूअसली अपने राउट को चेंज करते जा रहे हो, ताकि वो सी जो है, मतलब जो इंट्रूडर है, वो आपके रूट का ट्रैक ना रख पाए, बराबर है कि नहीं। अब वो क्या करेगा, चलो यहां से चल रहा है, यहां से डेटा आ रहा है, यहां से डेटा आ रहा है, आपने तुरंत राउट चेंज कर दिया, आपने दूसरा रास्ता ले लिया, तो वो आपके रास्ते का, आपके राउट का ट्रैक नहीं रख पाएगा और कंफ्यूज हो जाएगा, बराबर। और इस वजह से जो इसके अटैक्स होंगे, चाहे फिर वो उसके मन में कुछ भी हो सकता है, वो पैसिव अटैक करना चाहे, वो एक्टिव अटैक करना चाहे, तो उसके अटैक से आप बच सकते हो अगर आप तुरंत बार 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 अपना जो राउट है, अपना जो रास्ता है, वो बार बार चेंज कर रहे हो। तो यहां से मेरा डेटा आया तो कभी यहां से गया, फिर कभी यहां से गया, फिर उसके बाद यहां से आया तो यहां से, और फिर ये पहुंच गया, बराबर। सो आपने एक ही रास्ता नहीं पकड़ के रखा, आपने मल्टीपल रास्ते पकड़े, आपने मल्टीपल राउट्स को इनटू कंसिडरेशन लिया, That is what it is called as routing control. कई बार ऐसे भी होता है कि अगर ये मेरा specific region है, यहाँ पे बहुत ज्यादा traffic है, पहले से बहुत सारे packet यहाँ पे पड़े हुए, आगे जा नहीं रहे, कुछ भी रीजन हो सकता है, ये वाला राउटर मेरा फेल हो चुका होगा या फिर स्टॉप हो चुका होगा, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे पैकेट जमा हो रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, राउट कंट्रोल के थ्रू इस वाले पैकेट जो यहाँ पे जाने वाला है उसको हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है बहुत ज्यादा ट्रैफिक है,
बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत सारे पैकेट अटके पड़े हैं और हम लोगों को यहाँ से पैकेट यहाँ पे पहुंचाना है बहुत जल्द, तो हम लोग ये वाला रास्ता यूज नहीं करेंगे, हम ये वाला रास्ता यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हम जो राउट पे जाना चाहते हैं उसका कंट्रोल होना चाहिए, तो वो ये मैकेनिज्म है, दैट इज राउटिंग कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। सो दीज आर द सिक्स मैकेनिज्म जो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, मैंने थोड़ी बहुत मदद आपकी कर दी होगी इस एग्जाम में दोस्तों थ्रू दिस वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वेरी इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने हर एक दोस्त के साथ ताकि उस तक मेरी मदद पहुंच सके थ्रू यू। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।